नमस्कार पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं निधि चुग आज के मुख्य समाचार के साथ। उपचुनाव परिणाम में बड़ौदा में हुड्डा की साख बची। कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज 10,566 वोटों से जीते। योगेश्वर दत्त दूसरी बार चुनाव हारे। चीन और पाकिस्तान को दिए गए सख्त संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि SCO के सभी सदस्य राष्ट्रों को एक दूसरे की सार्वभौमिकता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। बिहार चुनाव में एक बार फिर NDA की वापसी अर्धरात्रि तक चली। मतगणना के बाद NDA को 125 व महागठबंधन ने 110 सीटें जीती। नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। विश्व में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 5,18,00,000 हुई। अमेरिका में 1,05,00,000 व भारत में 86,00,000 से अधिक हुए मरीज। मध्य प्रदेश के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से 19 सीटें जीतकर सत्ता पर मोहर लगाई। कांग्रेस को 8 में 1 सीट पर बहुजन महाजन पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में मनाया जश्न। हरियाणा की एक सीट छोड़कर शेष राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत। बिहार में मध्य प्रदेश की जीत से देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की और इस इलाके में चलाया गया तलाशी अभियान। मध्य प्रदेश में पटाखों पर नहीं लगेगा बैन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके यह जानकारी दी और कहा चीनी पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को COVID-19 के संबंध में लोगों को जागरूक करने, टेस्टिंग में वृद्धि करने और मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ चालान ड्राइव में तेजी लाने के दिए निर्देश। IPL में 5वीं बार मुंबई इंडियन ने रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता खिताब। फाइनल मैच में दिल्ली को हराया। तो जुड़े रहिए पल पल के साथ। नई अपडेट्स लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।